कार तक हम लोग पहुंच चुके थे। एल्डिहाइड कीटोन हो गया था ना, ठीक है। आज हेडिंग डालेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, और उसी से रिलेटेड है एसिड एनहाइड्राइड का। इसको तो बंद कर दो। ठीक है, तो हेडिंग डाले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ RCOOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग देखेंगे आज नोमेनक्लेचर, और साथ ही साथ ये तो एसिड ग्रुप का हो गया। एसिड ग्रुप का दो हम लोग देखे थे ना, एक तो ये था और दूसरा कौन सा था, सल्फोनिक एसिड, और दूसरा जो है हम लोग देखे थे क्या, एसिड डेरिवेटिव, याद आ रहा है, एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड डेरिवेटिव में कौन सा देखे थे, एक कौन सा था एसिड डेरिवेटिव, एक क्या था एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद कौन सा था, ईस्टर था, ईस्टर था, उसके बाद बताओ एमाइड था, ठीक है, उसके बाद एसिड हैलाइड था। बात समझ में आ रहा? तो ये जो चार थे और एसिड एनहाइड्राइड, ये जो चार है वो क्या है तुम्हारे, एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसमें से एक एसिड डेरिवेटिव का आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि क्या रहेगा, वो एसिड एनहाइड्राइड रहेगा। तो सबसे पहले चालू करेंगे किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तुम्हारा, इसका यदि हम बात करें किसका, RCOOH का, ठीक है, RCOOH का, तो इसका हम लोग बात करते हैं तुम्हारा सबसे पहले प्रीफिक्स। ठीक है, यदि प्रीफिक्स हमको लगाने का जरूरत पड़ता है तो प्रीफिक्स इसका क्या लगता है, बोलो प्रीफिक्स इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स कार्बोक्सी लगता है ना, हाँ। उसके बाद यदि हम 2 डिग्री सफिक्स का है, ओइक एसिड, समझ में आया। और यदि हम कहें स्पेशल सफिक्स, क्या बताए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बताए थे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तुम्हारा होता है। बात समझ में आया, क्लियर है। तो उसी तरीके से यदि हम जाएं, ठीक है, स्टार्ट करें एक कार्बन से, HCOOH, कितना कार्बन है, एक कार्बन है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, बोलो, मीथेन, और मीथेन का क्या करेंगे, ई हटाएंगे, हटाएंगे ना, ANE, और ई हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथेनोइक एसिड। बात समझ में आया, और इसका कॉमन नेम बताओ जी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। उसी प्रकार से यदि हम लोग CH3COOH में आए तो इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, दो कार्बन हो गया, क्या नाम हो जाएगा, बोलो, हाँ, इथानोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, ध्यान रखना, ठीक है, एसिटिक एसिड। एसिड वाले ग्रुप का जो कॉमन नेम है ना, वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दूसरा वाला जो कॉमन नेम हम लोग पढ़ेंगे दूसरे का। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है तुम्हारा, एसिड पार्ट का। बात समझ में आया, तो एसिटिक एसिड हो गया। उसी प्रकार से यदि हम लोग CH3, CH2, CH2 और ये COOH का जाए तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, बोलो, ब्यूटानोइक एसिड होगा, क्या, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, और इसका यदि हम लोग कॉमन नेम बात करेंगे तो क्या होगा, ब्यूटारिक एसिड लिखवाए हैं ये। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से जा रहे हैं। उसी तरीके से ये देखो, यदि ऐसा रहा है CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है, समझ में आ रहा है, बताओ ये क्या हो जाएगा। इसका यदि हम कहें नंबरिंग तो किधर से करोगे, किधर से होगा, यहीं से होगा ना, 1, 2 और 3। आ रहा बात समझ में, क्या लिखोगे इसको,
प्रोप लिखोगे ना, क्या लिखोगे? प्रोप डैश टू डैश ईएन, ईएन ई तो हटेगा क्योंकि बाद में क्या ओइक एसिड, और साथ ही साथ क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। ध्यान में रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर है, समझ में आ रहा है? प्रायोरिटी टेबल में, तो जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए नंबरिंग वहीं से चालू होगा, बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। समझ आया? वो सहनशाह वाला मूवी नहीं था, अमिताभ बच्चन जहां से खड़ा हो जाता लाइन वहीं चालू होता है, ऐसा टाइप का था ना, वही वाला ये वाला है तुम्हारा, ठीक है? सी डबल ओ जहां रहेगा नंबरिंग वहीं से चालू होगा, इज दैट क्लियर? तो पहला वही रहेगा, बाकी हम लोग फिर किधर की तरफ जाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ। फिर किधर हम लोग देखेंगे? मैक्सिमम साइड चेन हो जाए, ठीक है? बात समझ में आ रहा? तो ये जो है वो नॉर्मल हमारा फिर फॉलो करने लगेगा। तो एक ये हो गया इसका जो है तुम्हारा कौन सा आईयूपीएसी नेम, और कॉमन नेम इसको एक्राइलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है? कॉमन नेम इसका भी है जो क्या बोला जाता है, एक्राइलिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे, पॉलीमर चैप्टर क्लास 12th में है उसमें, तो ध्यान में रखना वो एक्राइलोनाइट्राइल करके आता है पॉलीमर, एक्राइलोनाइट्राइल, तो उसमें वो मोनोमर का काम करता है, इसके साथ मतलब इसी से रिलेटेड कंपाउंड रहता है वो, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना इसका कॉमन नेम होता है एक्राइलिक एसिड, ठीक है? उसी तरीके से इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, यदि हम ऐसे करें, या इसको और कैसे लिख सकता है? देखो सी डबल ओ एच और ये क्या लिखेगा, सी डबल ओ एच, ऐसे लिख सकता है ना, लिख सकता है ना, बताओ इसको क्या कहते हैं? बोलो इसका नाम क्या होगा? अरे दो कार्बन है ना, दो कार्बन है, दो कार्बन का तुम्हारा पेरेंट चेन है और दो ठो सी डबल ओ एच है, यही वन होगा यही टू होगा, या उसको वन कहो इसको टू कहो, तो क्या लिखोगे? इथेन डाइओइक एसिड। अरे दो आ गया ना, और नंबरिंग बताने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पहला और लास्ट वाला ही है, समझ में? और दो ही है ना, मतलब पहला और दूसरा ही है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इथेन, हाँ अच्छा बट ये लो इसको, इसको इसको बताइए, 11 कौन सा है? ये B2 है ना, और वो B1 है, ठीक, बैठो कहीं बैठो फिलहाल अभी, ठीक है? तो इथेन और ई हटा देंगे, ई हटाएंगे कि रखेंगे, ई हटाएंगे या रखेंगे? रखेंगे, क्यों? क्योंकि डी आ गया, इथेन डाइओइक एसिड ये नाम होगा, और इसका भी कॉमन नेम होता है जी ऑक्सैलिक एसिड, ये भी ध्यान में रखना, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है? इसका नाम फिर क्या कैसे लिखेंगे देखो जरा सा, सी डबल ओ एच, ठीक है? सी एच एन एच टू, ये सी एच टू, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, चलो जी बताओ तुम्हारा पेरेंट कार्बन कौन होगा? पेरेंट कार्बन कौन होगा? पेरेंट कार्बन चेन मतलब कौन सा होगा? कुछ समझ में आ रहा है? सीधा स्ट्रेट जाएगा क्या? स्ट्रेट जाएगा है? या फिर नीचे आएगा? देखो मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा मिल गया ना, मेन फंक्शनल ग्रुप जैसे ही मेरा मिल गया तो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से एक्ट करेंगे? साइड चेन, यानी उसकी अब कोई हैसियत नहीं है, बात समझ में आया? तो हम लोग किधर फिर उसके बाद जाते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स, समझ में आया? यानी कि ये अपना ऐसे जाएगा, ये अपना होगा पेरेंट कार्बन चेन,
समझ में आया क्या? समझ में आया? क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप अपना कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप बचे हैं वो क्या हो गए, साइड चेन। तो नंबरिंग करते वक्त हम लोग किसको सबसे पहले देखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप, और मेन फंक्शनल ग्रुप मिल जाने के बाद फिर किसको पकड़ते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड मेरा कहां है, यहां है ना, बाकी तो सब साइड चेन हो गए। अब इसका नंबरिंग हमको फिर से करना होगा क्योंकि ये किस में आ गया, बोलो, कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वन और ये हो जाएगा टू, और इसको क्या बोलते हैं, सी एच ओ यदि आ जाए तुम्हारा प्रीफिक्स में तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। एल्डो भी कहते हैं और फॉर्माइल भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको यहां हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्माइल बताएंगे, एल्डो वो भी बताएंगे, ठीक है, समझ में आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्माइल, एल्डो और फॉर्माइल दोनों कहते हैं, लेकिन फॉर्माइल कब लिखेंगे और एल्डो कब लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो उस हिसाब से फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, एमिनो है, एमिनो है ना, तो प्रीफिक्स में सबसे पहले कौन आएगा, एमिनो। एमिनो कितने नंबर पे है, दूसरे, तो क्या लिखेंगे, टू एमिनो। उसके बाद ये वाला पूरा पार्ट किस में चला जाएगा, बोलो, ब्रैकेट में, कॉम्प्लेक्स वाला में, तो होगा कितने पे, थ्री और ब्रैकेट स्टार्ट, और दूसरे पे क्या है, फॉर्माइल, टू फॉर्माइल, ठीक है, और ये क्या है, इथाइल। बोलो बात समझ में आया, टू फॉर्माइल, दो कार्बन बचा, तो दो कार्बन के लिए फिर क्या हो जाएगा, इथाइल, और उसके बाद फिर कितना कार्बन बचा इधर, चार, तो चार के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूट, ब्यूट डैश, ठीक है, थ्री डैश ई एन डैश या ई एन ओइक एसिड, क्योंकि पहले ही कार्बन पे भी तो ये है सी डबल ओ एच। बात समझ में आया, ठीक है, लिखो, यदि एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स दो लिखते हैं ना, एक क्या लिखते हैं, फॉर्माइल, और एक क्या लिखे हैं, ठीक है, और ऑक्सो करके भी लिखते हैं, ऑक्सो, ऑक्सो, देखो जरा सा किसमें आया है, क्या क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला फंक्शनल सी ओ एच, ये पहले पे ही है, ई एन लिए डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है, चलो, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि अगला वाला हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब वो पैरेंट चेन में आ जाए, ठीक है, अभी पैरेंट चेन में ये नहीं है, बात समझ में आया, यदि पैरेंट चेन में आ जाए तो फिर जो नेक्स्ट वाला है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आगे फिर देखो, मिटाएं ये वाला, इस साइड का हो गया, अब जो कुछ एग्जांपल लिखने जा रहे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ध्यान से करना जी इसको। चलो ट्राई करो एक बार, लेकिन एकदम ध्यान से ट्राई करना, थोड़ा सा संभल के, इम्पोर्टेंट है सबका सब। और सीट जो दिए हैं उसको भी बनाना है, और जो डाउट सर है वो पूछना है।
हुआ? हो गया क्या? हुआ? बोलो जी, बना? बनाएगा कोई आगे बोर्ड पे? देखो, ऐसे हम लोग एल्डिहाइड को क्या लिख रहे थे? फॉर्माइल। बात समझ में आया? लेकिन अब ध्यान में रखना यहाँ पे एक चीज, ये अच्छा पहले करो, जब वहां पे हम आएंगे तब। ये सेकंड वाला बताओ, इसका नंबरिंग किधर से होगा? 1, 2, 3, 4। नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट डैश 2EN डैश ओइक एसिड, या डायरेक्ट ओइक एसिड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अब देखो जरा सा यहाँ पे कि कार्बन जो है, एल्डिहाइड का कार्बन जो है वो पैरेंट चेन में काउंट हो रहा है, मतलब इसको हम काउंट कर रहे हैं, समझे? और वहां पे जो CHO था वो पैरेंट चेन में नहीं था। बात समझ में आया? पैरेंट चेन में नहीं था, था वहां का CHO। तो ध्यान में रखना, यदि ये कभी ही होता है, एकदम एरियर वाला में कभी कभी ये तुमको नजर आता है, यदि स्ट्रेट चेन में, यानी कि वो कब होगा? जब कार्बोक्सिलिक एसिड का सी से शुरुआत होगा और अंत कहां पे होगा? CHO पे, तभी ऐसा तुमको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? उस केस में हम इसका जो प्रीफिक्स रहता है वो ऑक्सो लिखते हैं। अब बोलोगे ये सर कहां से आ गया? याद करो कि ऑक्सो हम दिए हुए हैं किसके लिए? कीटोन के लिए। और ये भी बताए थे हम कि ये दोनों जो है उसको मिला करके हम क्या बोलते हैं, ये वाला ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं ना, जो कि कॉमन है किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड के लिए क्या है कि एक तरफ एच फिक्स होता है, और कीटोन के लिए क्या होता है कि दोनों तरफ क्या रहता है? आर रहता है। बात समझे? यदि ये मान लो कि कीटोन है, आर रहता, सपोज दैट कार्बन, और इधर अपने को कुछ समथिंग रहता, कार्बन या कुछ और रहता, तो भी तो हम यहां तक काउंट कर रहे हैं ना, कीटोन वाला पार्ट को काउंट करते हम। ठीक है, तो उस केस में भी उसका क्या लिखते हैं हम लोग? ऑक्सो ही लिखते हैं। और चूंकि ये वाला सेम चीज आ रहा है किसमें? एल्डिहाइड में, जो कि ये केस, यदि ऐसा केस बनता है तो कि अंत किससे हो रहा है तुम्हारा? एल्डिहाइड का कार्बन, तो इसको भी हम लोग पेरेंट कार्बन में काउंट करेंगे। बात समझ में आया? पेरेंट कार्बन में काउंट करेंगे, और मान लो सपोज दैट कि आगे चलते जाता ये चेन और ऊपर में ऐसे डैश करके CHO रहता, तब नहीं काउंट हो पाता। बात समझे? बात को समझो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अपना रूल क्या है? बोलता है कि सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप खोजो, हम बोले मिल गया। उसके बाद बोलता है कि मल्टीपल चेन, मल्टीपल चेन नहीं है मेरे पास, मल्टीपल मतलब बॉन्ड नहीं है मेरे पास। उसके बाद क्या बोलता है? साइड चेन, तो साइड चेन भी नहीं है।
लेकिन तो पैरेंट चेन तो अपने को देखना पड़ेगा ना, लॉन्गेस्ट वाला, लॉन्गेस्ट कार्बन जिसमें हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो ना, इसको हम पूरा लेंगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मेरे लिए मिलेगा। तो यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो हम लोग प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, ऑक्सो। बात समझ में आया, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, ऑक्सो, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, ब्यूटेन होगा, होगा ना, या फिर ऑक्सो को पहले लिखेंगे ना, कितना पे ऑक्सो लिखेंगे, 4 या 3, देख लो जरा सा, 4, समझ में आया, क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, ऑक्सो, उसके बाद 4 कार्बन का क्या होगा, हाँ, ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब बताओ इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, बोलो, सीधा जाएंगे लेफ्ट या राइट, लेफ्ट से, अच्छा इधर से ना, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, OCH3 है ना, क्वेश्चन जरा सा एक बार देखो, एक क्वेश्चन तो मिस हुआ क्या, हाँ लगता है एक क्वेश्चन मिस हुआ, या दिए हुए हैं कहीं पे, नहीं एक क्वेश्चन लगता है मिस हुआ, एक क्वेश्चन और ऐड करो यहाँ पे, नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये क्या लिख रहा है, OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये CH2, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH2, और ये CH3, हाँ ये, ठीक है, चलो अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये वाला पहले आ जाओ, इसको पहले देखो, फिर यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है, तो बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे, यही लेफ्ट से जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, होगा ना लॉन्गेस्ट चेन, हाँ, अच्छा क्या ये वाला आ गया, तुम्हारा कीटोनिक पार्ट है, कीटोन को क्या लिखते हैं, ये वाले पार्ट को क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं ना, हाँ तो लिखाएगा ऑक्सो, देखो अब समझ में आया कि क्यों हम लोग इसको ऑक्सो लिखे हैं, क्लियर हुआ बात, क्यों हम ऑक्सो लिखे, क्योंकि वो कार्बन को काउंट किए थे सी डबल बॉन्ड ओ वाले को, और यहां भी हम लोग सी डबल बॉन्ड ओ वाले को काउंट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, कीटोन है, तो काउंट तो होगा ही, वो सीधा हम लोग चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 पे क्या लिखेंगे, ऑक्सो, तो इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे, 4 ऑक्सो, और कितने कार्बन हो गए, हेक्सानोइक एसिड, बात समझ में आया क्यों ऐसा हुआ, अब आ जाओ यहाँ पे 4 ऐसा हो गया, 4, 5 तक हम लोग गए, तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, बोलो, ध्यान से देखना जरा सा, ये अब देखो, ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप हो गया, इस्टर, अरे हुआ ना, ये वाला पार्ट, ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये OCH3, ठीक है, क्लियर है तुम्हारा, और ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मतलब प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, ये तो समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, देखो जरा सा एक चीज और यहाँ पे बताते हैं, क्या है कि यदि पेरेंट चेन से, ठीक है, यदि पेरेंट कार्बन चेन से तुम्हारा लगा हुआ रहेगा C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा केवल R, ठीक है, सॉरी OR, ये, ठीक है, तो OR के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, और तुमको याद है कि ये वाला को हम क्या बोलते थे, इथर वाला पढ़ते थे ना, डैश O R पढ़ते थे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, एल्कोक्सी बोलते थे ना, अरे बोलो याद आया, एल्कोक्सी इथर कहते थे, ठीक है, यानी दोनों साइड मतलब कितना कार्बन पे, वो तुम्हारा मिथॉक्सी मीथेन, याद आया, इथॉक्सी इथेन, क्लियर है, वो चीज आता था, अब ओ आर इसका मतलब किसके लिए है, तुम्हारा एल्कोक्सी के लिए, और ये कार्बोनिल किसके लिए है, तो कार्बोनिल इसके लिए होता है, बात समझ में आया, इसीलिए इसको कार्बोनिल, इसी के कारण तो कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, बात समझ में आया, देख लो जरा सा, इस चीज को हम बता रहे हैं, और दूसरा एक तो ये अपेरेंट कार्बन से यदि तुम्हारा ओ सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर लगा रहे ऐसे, यानी इस बार पेरेंट कार्बन से कौन जुड़ा रहा है, ओ जुड़ा रहा है, ठीक है, तो इसको एल्कोनोइल ऑक्सी कहते हैं, एल्कोनोइल
ऑक्सी के नाम से जाना जाता है। अब एल्कानोइल किसके लिए? इसके लिए। और ऑक्सी किसके लिए तुम्हारा? इस ऑक्सीजन के लिए। बोलो बात समझ में आया? क्लियर, ये चीज देखो कर लो। अब समझो जरा सा कि अब इसका जो नाम है, बताओ कहां पे हम लोग थे? यहां पे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इथॉक्सी। इसके लिए क्या हो गया? इथॉक्सी। और ये सी डबल बॉन्ड ओ के लिए क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। अभी तो बताए, ये इसी टाइप का तो है ना, देख लो। नहीं समझे या समझ में आ रहा है? ये पूरा पार्ट हो गया कार्बन वाला, पैरेंट कार्बन चेन आ रहा है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा ओ सी टू एच फाइव, ये क्या हो गया? इथॉक्सी, एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी का क्या की हम लोग? दो कार्बन का चेन है तो इथॉक्सी, एक कार्बन का चेन रहता तो क्या लिखते? मिथॉक्सी लिखते। तीन कार्बन का रहता तो प्रोपॉक्सी लिखते, क्लियर। और ये सी डबल बॉन्ड ओ को अभी हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। बात समझ में आया? तब बताओ अब इसका नाम क्या लिखेंगे? नहीं, फोर, पांचवे पे इसी को तो कार्बोनिल कह रहे हैं, नहीं बोलते तब ना हम इसको लिख देते, कार्बन को काउंट कर लेते हैं, इसका तो नाम हम अलग से बोल ही रहे हैं। बात समझ में आया? जैसे कि एल्डिहाइड का तुम्हारा, जैसे कि ये देखो सी 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 करके जा रहा, और ये तुम्हारा सी एच ओ है, फिर आगे सी सी करते जा रहा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं, तो इसको नाम क्या मिला? फॉर्माइल, समझे। और फॉर्माइल जो कह रहे हैं उसमें ये कार्बन जुड़ा हुआ है, समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? कार्बन जुड़ा है, वो पूरा सी एच ओ को ही फॉर्माइल कह रहे हैं, इज दैट क्लियर। और यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है कि इतने पार्ट को हम क्या बोले? एल्कॉक्सी। और ये सी डबल ओ को क्या बोल रहे हैं? कार्बोनिल। तो हम कितना पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको? चौथे नंबर पे क्या है तुम्हारा? फोर इथॉक्सी, ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे? कार्बोनिल, ठीक है। और चार कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटानोइक एसिड। ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं, धीरे धीरे आराम से बता रहे हैं। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? बताओ इसका नाम क्या होगा? क्या लिखते हैं? C डबल बॉन्ड ओ एन एच टू को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? एमिडो होगा ना, एमिडो या फिर कार्बोमोइल, है ना। अरे बोलो, लिखे हैं क्या? लिखा हुआ है एमिडो और साथ में क्या है? कार्बोनिल नहीं, कार्बोमोइल, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये होगा वन टू और थ्री, लिखेंगे थ्री एमिडो, या फिर बोल सकते हैं कार्बोमोइल, ठीक है। और तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपानोइक एसिड। देखो ये होगा। अब आ जाओ इधर, अब बताओ क्या लिख सकते हैं इसको? थोड़ा सा क्या लिखेंगे? ये होगा वन, ये होगा टू और ये होगा थ्री, होगा हाँ? और एसाइल हैलाइड वाले को हम लोग क्या लिखे थे? ये कौन सा है? हेलो कार्बोनिल है क्या? हेलो कार्बोनिल है ना। अरे प्रीफिक्स याद करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? तीसरे पे क्या है? ब्रोमो और कार्बोनिल, ठीक है। और तीन कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोपानोइक एसिड। इसका बताओ क्या होगा? ये होगा वन, ये होगा टू और ये होगा थ्री। थ्री सी एन का क्या लिखते हैं? साइनो लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? थ्री साइनो, उसके बाद प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद बताओ यहाँ पे इसका कैसे लिखेंगे? ये तो लगता है कॉमन सेम क्वेश्चन आ गया है, ये वाला आया है ना। तो बताओ क्या लिखेंगे? ये होगा वन और ये होगा टू, और इसको क्या बोलेंगे? इथॉक्सी कार्बोनिल लिखेंगे क्या? अरे दो कार्बन के लिए क्या होगा? इथॉक्सी, और इस वाले सी डबल बॉन्डो के लिए क्या लिखते हैं? कार्बोनिल, और उसके बाद क्या लिख रहे हैं? दो कार्बन के लिए क्या होगा? इथानोइक एसिड,
ठीक है, तुम थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो इसका लिए भी देखो Br का क्या लिखे हैं, ब्रोमो। Br का क्या लिखे हैं, ब्रोमो। क्या सर आप इधर कार्बोनेट बोल रहे थे ना, इसको सी डबल वन रोको, सो इधर ऊपर इस सेकंड एग्जांपल में भी कार्बोनेट आना चाहिए था। नहीं नहीं वही तो है कि इस वाले में यहाँ एच है, ठीक है, ये वाला एच है, ये अलग एग्जांपल है, इसको हम इम्पोर्टेंट इसीलिए कहे थे कि वहां पे यदि हम आर लेते जा रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला हम, हाँ आ जाओ, ये वाला हम क्या लेते जा रहे हैं, आर लेते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला केस अलग है, मतलब इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन से, खास करके देखो ऑक्सीजन से, और ये वाला चीज का पूरा प्रीफिक्स ही हम अलग बताए हैं, इसका ही प्रीफिक्स अलग बताए, इसका ही प्रीफिक्स अलग बताए, लेकिन ये वाला का भी प्रीफिक्स बताए एल्डिहाइड का, लेकिन ये एल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्माइल हम लोग तब लिख रहे हैं जब ये वाला तुम्हारा पैरेंट चेन में नहीं आ रहा है, तब जैसे कि सी एच ओ ऊपर चला गया कहीं, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्माइल, जैसे इससे पहले वाला एग्जाम्पल जो था तुम्हारा, ये देखो सी एच ओ यहाँ है तो क्या लिखे फॉर्माइल, और इस और ये जब पैरेंट चेन में तुम्हारा नहीं रहेगा तब हम लोग क्या लिख दिए उसको फॉर्माइल, लेकिन यदि उसको काउंट करना पड़ा किसी भी वजह से, देखो काउंट करना पड़ गया 1 2 3 4, तब इसको हम लोग ऑक्सो लिखेंगे, जस्ट लाइक तुम्हारा कीटोन। कीटोन कहाँ गया, कीटोन वाला एक एग्जाम्पल था, नहीं वो नहीं, ये देखो क्योंकि कीटोन का हम लोग क्या लिखते हैं ऑक्सो, समझ में आया, इसीलिए वो वहां पे वैसा हुआ, बाकी कहीं नहीं, बाकी सब जगह कार्बोनिल लिखेंगे, ठीक है। चलो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा ध्यान दोगे तुम यहाँ पे, तो ये Br के लिए क्या लिखे हैं, ब्रोमो, और C डबल बॉन्डो के लिए क्या लिखे हैं, कार्बोनिल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी तुम देखोगे ये वाला केसेस, तो इतना के लिए अपना क्या हो गया, बोलो दो कार्बन के लिए क्या हो गया, इथॉक्सी हुआ ना, इथॉक्सी, तो कितने पे ये इथॉक्सी है, दूसरे पे, और ये वाला C डबल बॉन्ड O को हम क्या लिख रहे हैं, कार्बोनिल, ये तो शुरू से लिख रहा है ना, इसमें भी तो लिखे हैं, ठीक है। NH2 वाला में भी देखो क्या आ रहा है, ये कार्बोमोइल बस एक अलग से आ रहा, लेकिन इसका पूरे को ही हम लोग प्रीफिक्स दिए थे क्या, एमिडो, समझ में आया, या फिर कार्बोमोइल, वो दोनों को मिला करके हम लोग दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे, दूसरे पे क्या है, ये इथॉक्सी, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ओ के लिए हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, बोलो कार्बोनिल, ठीक है, और दो कार्बन का क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद इसका बताओ क्या होगा, अब देखो, अब ये वन तो होगा, फिक्स है ना, ये क्या होगा टू, अब ये ओ से जुड़ा हुआ है, देखो ओ से जुड़ा हुआ है, तो ओ के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सी, ओ भी किनारे में, और ये क्या होगा अल्कानोइल, ये कार्बन को अब हम काउंट करेंगे अल्कानोइल में, ठीक है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा अल्कानोइल, तो बताओ कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो क्या होगा इथानोइल, इथानोइल, चार कार्बन रहता तो क्या लिखते, ब्यूटानोइल, अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरे पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरे पे हम लोग क्या लिखे हैं, ये पूरा इथानोइल, ये वाला पार्ट, तो हो जाएगा तुम्हारा टू इथानोइल NOIL, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सी, ठीक है, और दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथानोइक एसिड, बोलो समझ में आया। तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्म तुमको पहले बता दिए कि किसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो थोड़ा ये सारे एग्जांपल जो बताए ना वो सब का सब इंपॉर्टेंट है, सब का सब इंपॉर्टेंट है एकदम, और एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, कि ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट हम लोग लिख रहे हैं ना, कौन सा पार्ट को हम लोग लिख रहे हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और डैश, ये वाला है ना CH3 C डबल बॉन्ड O, तो इसको हम लोग साथ में यदि हम कहें तो अभी क्या लिखे, इथेनॉइल लिखे ना, और हम लोग इसको एसीटाइल भी लिख सकते हैं, एसीटाइल, ठीक है, एक अलग नाम है, ध्यान में रखना, कॉमन नेम टाइप, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिटाइल भी, ठीक है, क्लियर है, ध्यान में रखना, दो का, अच्छा दो कार्बन का एसिड को क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, और उसका देखो कॉमन नेम हम क्या लिखवाए हैं, एसिटिक एसिड,
समझ में आया? तो वही दो कार्बन वाला एसिटाइल आया है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आज का क्लास इसलिए हम एकदम स्लो लेकर के चल रहे हैं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए। हो गया इतना दूर, मिटाएं। और कुछ क्वेश्चंस? बनाओ जी, इसको तो कल बताए हैं हम, सेम क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहे हैं इसलिए इसको यहां दे दिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बोलो, क्या होगा इसका? बोलो, ये होगा ना, हाँ। और सुपर सफिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये होगा 1, 2 और 3, ठीक है, प्रोपेन। और ई भी लिखेंगे 1, 2, 3 ट्राई, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखते हैं। अब इसका बताओ, इसका पैरेंट कार्बन चेन कौन लेंगे? देखो, इस बार तो हम चाह करके भी ये तीन कार्बन नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस पे तो CHO आ रहा है, इस पे तो CHO आ रहा है, लेकिन इस पे क्या आ रहा है? CH2CHO, समझ में आ रहा है? तो हम ये वाला रूल फिर नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें तीनों किस पे आने, तीनों लाइन से आने चाहिए थे, बताए थे ना, पैरेंट चेन में दो से ज्यादा आने चाहिए थे, समझ में आया? तो यदि हम इसको पेरेंट चेन मानते हैं तो दो से ज्यादा आ पाएगा क्या? दो से ज्यादा मतलब फंक्शनल ग्रुप तो है तुम्हारे, लेकिन एक पेरेंट चेन में ये आ रहा है क्या CHO? नहीं आएगा। तो हम लोग को मजबूरन कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला जो है वो ये पूरा लेना पड़ेगा, और इसको एज अ साइड चेन तुमको एक्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। बात समझ में आया? तो बताओ क्या लिखोगे इसको तुम? इसका नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 3 पे क्या डालोगे बताओ, बोलो 3 पे क्या लिखोगे? ये CHO के लिए क्या लिखते हैं? फॉर्माइल। और एक कार्बन ये बचा तो क्या लिखेंगे इसको? बोलो बोलो, फॉर्माइल मिथाइल ना, कितना पे आ रहा है? 3। और 3 पे क्या आ रहा है तुम्हारा? फॉर्माइल इथाइल, इसके लिए फॉर्माइल और एक सॉरी मिथाइल ना, फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन होगा ना, ये भी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? डाई, ठीक है, 1.5 सॉरी पेंटेन 1.5 डाई एल, ये लिखेंगे। उसी प्रकार से देखो सेम केस है,
इसमें इस बार भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो नाम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो चौथे पे क्या जाएगा बोलो, चौथे पे क्या जाएगा, क्या लिखते हैं, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, प्रीफिक्स क्या लिखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सी लिखे थे, लिखे थे ना कार्बोक्सी, तो ये क्या हो जाएगा कार्बोक्सी, कार्बोक्सी और एक कार्बन यहां पे है तो मिथाइल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और सेवन कार्बन क्या हो जाएगा, हेप्टेन डैश, ठीक है, 1,7-dioic acid, ठीक है, देख लो जरा सा, क्लियर है। उसके बाद बताओ इसका नंबरिंग किधर से होगा, वन, ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, अब मेन मिल गया तो बाकी सब क्या हो गया, चेन, लेकिन फिर किधर से जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से, तो ये 1, 2, 3, 4, और 4 पे क्या मिल रहा है, एमिनो, है ना, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, साइक्लो, ठीक है, और 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है, और डैश 2-EN- बोलो, लेकिन EN ही लिखेंगे ना, क्योंकि अपने को सुपर सफिक्स लिखना है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, EN कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया। उसके बाद इसका बताओ क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, क्या लिखेंगे इसको, बोलो जी, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट डैश 2-EN, ठीक है, डैश बोलो, या ऐसे लिख दो, डाई ओइक एसिड, तो पहले और लास्ट में ही वो ऐड होगा, काउंट होगा, ठीक। इसका बताओ 1, 2, 3, 4 क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे ना, साइक्लो हेक्सेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, देखो जी ये होगा। इसका बताओ क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन, कीटोन के लिए क्या लगेगा, ऑक्सो, प्रीफिक्स लिखना है ना, ऑक्सो, मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये COOH है, तो क्या लिखेंगे, 2-ऑक्सो, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये फिर बाहर है, ठीक है, रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग नहीं ले सकते ना, पेरेंट में एक ही है ना, एक कार्बन कम से कम और होना चाहिए था। देख लो जी, ज्यादा कंफ्यूज होना तो फिर पूछना कि सर इसका क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है और उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका बढ़ेगा, तो इसीलिए हम क्लास भी एकदम स्लो ले रहे हैं, एकदम स्लो लिए हैं आज का क्लास। उसके बाद हेडिंग डालेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। कोई एग्जांपल समझने में दिक्कत है,
ठीक है, हाइड्रोजन डालो। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो जी, एसिड एनहाइड्राइड किसको हम लोग कहे थे, याद है? आर सी, या फिर ऐसे करो, ये था ना सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये इसको क्या बोले थे, एसिड एनहाइड्राइड। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और भी था, सी डबल बॉन्ड ओ, ये डैश को कर दो टू और ये ओ, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में ये वाला पार्ट है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, और नाम के बाद इसका यदि एनहाइड्राइड का नाम लिखना होगा तो नाम के बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, एनहाइड्राइड, समझे? अब देखो जैसे कि एग्जांपल, अब ये भी देख लो जरा सा, ये बनता कैसे है। तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच ओ एच, मान लेते हैं ये एक एसिड है, ठीक है। उसी प्रकार से कोई और एक एसिड है आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ ओ एच, ठीक है। बस ध्यान में रखना यहाँ आर इज इक्वल टू आर है, यानी कि आर हम जो भी लेंगे, मिथाइल ले ले, इथाइल ले ले, ब्यूटाइल ले ले, वो दूसरे वाले के इक्वल में है, इक्वल है, सेम लेंगे, यानी सेम एसिड ले रहे हैं। और उससे हम लोग बाहर क्या निकाल देंगे, माइनस वाटर, माइनस क्या कर देंगे, वाटर। इज दैट क्लियर, वाटर इन द सेंस कि इसका ओ एच और इसका एच हटा दिए, समझ में आया? तो बताओ तुम्हारा क्या नजर आएगा, इसका आर सी डबल ओ नजर आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इसका एक ओ नजर आया, दैट इज यही हम ओ कर दिए, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या बन गया, आर। समझ में आया, क्लियर है? तो जो भी एसिड का वो एनहाइड्राइड बनेगा ना, उस एसिड का नाम, और बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड, ठीक है। और इस तरीके का, यानी कि जब आर इज इक्वल टू आर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल, सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, वो बताएंगे अभी। अभी पहले कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच रहेगा, और ये मान लेते हैं आर डैश हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच रहेगा, और तब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस पानी करेंगे, तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ओ, ठीक, ये तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या बनेगा, आर डैश। बोलो इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, R नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा, R, ठीक। उस केस में हम लोग इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहेंगे, क्या बोलेंगे, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, यानी कि दो डिफरेंट एसिड के मिलने से जो एनहाइड्राइड बना है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड एनहाइड्राइड, और दो सेम एसिड के मिलने से बना है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, सिंपल एनहाइड्राइड, मतलब सिंपल, हाँ, सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो जरा सा यहाँ पे नाम लिखने का तरीका, जो एसिड रहेगा ना, जो एसिड का एनहाइड्राइड बनेगा, जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, ये तुम्हारा एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, इसको हम लोग दो ठो ले लिए हैं, ठीक है, ये ओ एच, और इसमें से क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे, तो इसका ओ एच और इसका एच बाहर निकल जाएगा, दैट इज क्या बनेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहेगा तुम्हारा, बोलो, ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या बनेगा, एच, बोलो सही है। ये किससे मिल करके बना है, ये क्या था, कौन सा एसिड है, मिथानोइक एसिड है ना जी, तो इसका नाम होगा, एसिड हटाओ एनहाइड्राइड जोड़ो, नाम क्या बनेगा इसका, मिथानोइक एनहाइड्राइड। खोपड़ी में धंसा तुम्हारा, क्या हम बोले, दिमाग में गया? अब समझने का तरीका, यदि हम इसको उल्टे करके हम जरा सा देखें, तो यदि ऐसा लिखा रहा एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, देखो जरा ध्यान से क्या करो, यदि हम इसके ओ को एक तरफ दे रहे हैं, क्योंकि किसी ना, देखो अब बनते समय किसी एक का तो ओ का योगदान हुआ है, और किसी ओ, किसी भी एसिड का ओ गया है, ये देखो इसका चला गया, एक का रह गया, बात समझ में आया? अच्छा, जिधर रहा है उधर से क्या निकला है, एच, और जिधर गया है उधर से क्या निकला है, समझ में आया? अब देखो, अब मान लेते हैं ये वाला एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है ना, पहचानने का तरीका, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ओ मान लेते हैं हम इधर दे दें,
हमको पानी इसमें जोड़ना है, पानी बाहर निकाले थे, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, पानी को जोड़ेंगे। तो लो जोड़े एच और यहां जोड़े हम लोग OH, समझे क्या? O की तरफ जोड़ेंगे H और इधर क्या जोड़ेंगे OH, इसको तोड़ दो। तो तोड़ने के बाद फिर तुमको क्या मिलेगा बोलो, एच सी डबल बॉन्ड O और ये O के बगल में क्या आएगा OH, और साथ ही साथ इसके बगल में क्या आएगा OH, यानी कि OH सी डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा H। समझ में आया? तो ये किससे बना है, ये एसिड का नाम क्या है, अरे टूटने के बाद जो एसिड बना उसका नाम क्या है, अरे भैया एक कार्बन है ना, एक कार्बन वाला एसिड का नाम क्या है, समझ में आया? तो यानी उससे जो एनहाइड्राइड रहा है उसका नाम क्या होगा, मेथानोइक एनहाइड्राइड। अरे समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, हम कहे ना कि ये जो एनहाइड्राइड, अब हम ये प्रोसेस से यहां आए, अब यहां से यहां जा रहे थे हम कहेंगे मान लो इस तरीके से एनहाइड्राइड कोई दिया रहेगा उसका नाम कैसे लिखोगे, समझने में प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि किस एसिड से बना है, समझ में आया? और जिस एसिड का बनेगा उसी का वो एनहाइड्राइड होगा सिंपल वाले में। तो हम क्या कि एक तरफ एच दिए, एक तरफ ओ एच, ओ की तरफ एच दिए और बगल में क्या दिए ओ एच, उसको तोड़ दिए और तोड़ने के बाद ये वाला पार्ट क्या बना, एच सी ओ और साथ ही एच जुड़ाइए, तो ये क्या बन गया मिथानोइक एसिड। तो ये इसका नाम क्या होगा, मिथानोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि मिथानोइक एसिड से बनने वाला एसिड को क्या बोलेंगे, मिथानोइक एनहाइड्राइड। इथानोइक एसिड से बनने वाले एनहाइड्राइड को क्या बोलेंगे, इथानोइक एनहाइड्राइड। इथानोइक एनहाइड्राइड किससे मिलके बना है, इथानोइक एसिड से, समझ में आया? हाँ, प्रोपानोइक एसिड से जो एनहाइड्राइड बनेगा उसका नाम क्या होगा, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। अब प्रोपानोइक एनहाइड्राइड किससे मिलके बना है, समझ में आया? यही तो कर रहे थे। अच्छा, और एक तरीका उससे भी, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका भी तरीका बता रहे हैं कि इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा एनहाइड्राइड है, यहां तक ऐसे कर लो खुद से। अरे दो भाग में इसको बांटो ना और देख लो कितना कार्बन आ रहा है, इधर वाले में क्या लगा दो H और जो एसिड बना है उसका एनहाइड्राइड। एक कार्बन का क्या बनता है, मिथेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड, समझे? उतना भी ये करने की जरूरत नहीं है, हो गया, लिख लिए। इस साइड वाले लिखे, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी जल्दी। इस साइड हुआ, अब जैसे कि तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, बताओ जी इसका नाम क्या होगा, सिंपल, इस ओ बीच में ओ है ना, इसका बगल में कितना कार्बन, दोनों एकदम सिमिलर है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में टेंशन मत लो, अनसिमेट्रिकल में टेंशन होगा, ठीक है, वो भी हम बता देंगे, एकदम आसान है उसका भी। अब बताओ इस दो कार्बन से कौन सा एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, समझ में आया? तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इज दैट क्लियर? अब देखो इसी तरीके में यदि CH3CH इसी में थोड़ा ब्रांचिंग कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। चलो जी, अब बता दो इसका नाम क्या लिखेंगे, अब फिर से इतना दूर आओ, इतना दूर आओगे, देखो ना बड़ा आसान है, थोड़ा सोचो अच्छे से, ठीक है, देखो जरा सा यहाँ पे बोर्ड पे जी, इतना मतलब ये ओ यदि हम ले ले तो OH मेरा यहाँ आ जाएगा, इधर भी OH, और दोनों सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो फिर टेंशन मत लो।
अच्छा अब यदि मेरा नंबरिंग तो वन यही रहेगा, ये टू रहेगा और ये क्या रहेगा, थ्री रहेगा एसिड बनने के बाद भी, तो बताओ इतना दूर का नाम क्या लिखेंगे, टू मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। अरे बोल, यही लिखेंगे ना? किसको समझ, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा और हम तोड़ के बताएंगे, जल्दी बोलो। ये दोनों सिमेट्रिकल है, इधर तीन कार्बन का क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट रहेगा, सी डबल ओ एच वाला पार्ट रहेगा, तो इसका पहला, इसका कार्बन क्या रहेगा, वन ही होगा ना, तो ये वन, तो ये टू और ये थ्री, तो ये दूसरे पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो एसिड का नाम क्या होगा, टू मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, तो पूरे एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा, टू मिथाइल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। समझ में आया, नाम क्या लिखेंगे, टू मिथाइल, ठीक है, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। देख लो जी, ये बताना चाह रहे थे हम। और तुमको लगे ज्यादा परेशानी तो फिर वाटर यहां पे जोड़ दो, एक ओ जिधर लेना है तोड़ के उधर एच डालो और उधर क्या डालो, ओ एच डालो, फिर उसका नाम लिखो, फिर उसका, अब ये क्या हो जाएगा, उसका एनहाइड्राइड हो जाएगा। हालांकि उतना करोगे तब तो फिर टाइम कहां बचेगा तुम्हारे पास, तो जितना है तुम एसिड देख लो और उस हिसाब से नाम लिख दो। उसके बाद देखना जी, ये यदि ऐसा रहे, ठीक है, अब इसमें दो मॉलिक्यूल लेने के बाद, वाटर को क्या करने के बाद, निकालने के बाद कौन सा एनहाइड्राइड बनेगा और उसका नाम क्या होगा, दो मॉलिक्यूल लेके पानी निकालो, नाम क्या बनेगा उसका, अरे बोलो, इसका दो मॉलिक्यूल कैसे, दो मॉलिक्यूल मतलब दो ठो लेंगे, अरे कैसे दो ठो लिए है ना, वैसे दो लेकर के और पानी निकालना है, तो ये क्या लेंगे हम लोग, तुम्हारा ऐसा रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, तो क्या उसी प्रकार से यहाँ भी OH C डबल बॉन्ड O और ये ऐसा रहेगा क्या, देखो तो, और यहाँ से क्या लो, इसका OH ले लो, इसका H ले लो, निकलने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा ऐसा बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये O और ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा, ऐसा। समझ में आया, अब इसका, अब वो तुम छोड़ो, आराम से गड़बड़ तुम लोग कर रहे हो, अब इसका नाम बोलो लिखो, तो क्या होगा, वन टू थ्री फोर, इसका नाम क्या हो रहा है, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होगा इसका, क्योंकि ये वाला इस बार पैरेंट चेन में नहीं आ रहा, सुपर सफिक्स लिखना होगा इसका। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या, इस बार इसका क्या लिखना होगा, सुपर सफिक्स, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, सफिक्स नहीं लिखेंगे टू डिग्री वाला, क्या लिखेंगे, सुपर सफिक्स, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बताओ इसका नाम क्या होगा, ये वाले का, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक, यस। क्लियर है, अब इसी के लिए हमको ये बनाने की जरूरत क्या थी भाई, इसके लिए हमको ये बनाने की जरूरत थी क्या, कुछ नहीं, एसिड मिल गया, अब इसमें पानी निकालने के बाद एनहाइड्राइड बनेगा, नाम इसका लिख के एसिड हटा के एनहाइड्राइड लिखो, समझे क्या, जरूरत थी बनाने की क्या, नहीं थी। मिटाते,
देखो जी, इतना दूर तक तो तुम नाम लिख लोगे, ये वाला अच्छा लो सिमिलर कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसमें हम लोग क्या ले रहे थे, ये कैसे बन रहा था, दो मोल जो है, दो मॉलिक्यूल हमको क्या लेना पड़ रहा था, एसिड, तब बन रहा था एक उसका क्या एनहाइड्राइड, इज दैट क्लियर। ये वाला तुम एग्जांपल देखो तो दो एसिड एक ही कंपाउंड में मौजूद है, बोलो समझ में आया, समझ में आ रहा है, दो एसिड एक ही कंपाउंड में मौजूद है और उससे यदि हम वाटर को बाहर निकाले, यानी एक को ले ले OH और एक का ले ले H, बाहर करो और बाहर करने के बाद देखो क्या बन रहा है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ऐसे करे क्या, कितना कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन बना, एक दो तीन चार हो गए, और ये क्या हो जाएंगे डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएंगे डबल बॉन्ड O, और ये क्या होंगे O, और ये देखो ऐसा बनेगा, कितने मेंबर का रिंग बना, फाइव, तो फाइव और सिक्स मेंबर का रिंग स्टेबल होता है, ध्यान में रखना, यानी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे कम का रहेगा तब फिर नहीं कर सकते, ठीक है। फाइव मेंबर, ये फाइव मेंबर रिंग है, ठीक है, फाइव एंड सिक्स आर स्टेबल, उससे कम का अनस्टेबल बनता है, इज दैट क्लियर, समझ में आया। अच्छा ये किस, ये यदि रहता तो तुम कैसे करते, वही तोड़ दो, क्या करते इसको तोड़ देते हैं और एक तरफ क्या देते हैं OH और एक तरफ क्या देते हैं H, तो क्या ये बन जाता, ये इस एसिड का नाम क्या है, चार कार्बन का डाइओइक एसिड है, इस एसिड का काम क्या नाम है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड है ना, तो उसका क्या नाम लिखेंगे, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, ये क्या है तुम्हारा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, साइक्लो क्यों आएगा, नहीं इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि डाइओइक है, यानी एक और लास्ट पे है, तो उसको तोड़े होंगे तो रिंग ही फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। अब यदि इस तरीके से है, ध्यान दो, ये तो समझा दिए कि वो कैसे बना है, समझ में आया ना, अब यदि इस तरीके से तुम्हारा रहेगा, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका नाम लिखो, फिर ये बताते हैं इसका नाम क्या होगा, बताओ, समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, ये कितने कार्बन का है, देखो एक दो तीन चार पांच, तो किससे बना होगा ऐसा कि जिसमें दो ऐसे आए हैं, एनहाइड्राइड तो समझ में आ गया ना, तो वो किससे बना होगा, पेंटेन डाइओइक एसिड से, अरे बोल समझ में आ रहा है, इसको तोड़ोगे तुम, ये लो इसको तोड़ो, एक तरफ दो OH और एक तरफ दो तुम्हारा H, तो कैसे टूटेगा ये, क्या बन जाएगा ये, देखो जरा सा, वाटर ऐड कर रहे हैं हम इसमें, वाटर ऐड करने के बाद क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये बगल में क्या रहेगा OH, और बगल में ये ठीक है, ये C और डबल बॉन्ड O और ये क्या रहेगा OH, यही तो बनेगा, और ये क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, क्या बना, पेंटेन डाइओइक एसिड, तो इसका नाम क्या रहेगा, पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, इज दैट क्लियर। अब ये वाला देखो अनसिमेट्रिकल आ गया क्या, अब अनसिमेट्रिकल आ गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत करो, इसको तोड़ो, इधर दे दो H, या इधर दे दो OH और इधर दे दो H, हमको कोई दिक्कत नहीं, किधर भी दे दो, एसिड बनाओ केवल, तो इसका क्या बनेगा बोलो, और इसका क्या, इसका बनेगा CH3COO और ये क्या बनेगा OH, got it, और इसका क्या बनेगा तुम्हारा HC डबल बॉन्ड O और ये OH, इसका नाम बोलो क्या है, मिथानोइक एसिड, बोल रहे जा रहा दिमाग में, और इसका नाम क्या है, सॉरी इसका इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथानोइक एसिड, अब कुछ मत करो, एनहाइड्राइड का नाम दिखना है ना, एक बन रहा है मिथानोइक से, एक बन रहा है इथानोइक से,
आ जाओ अल्फाबेटिकल, ई आ रहा पहले या एम? ई, तो इसका एनहाइड्राइड का ये वाले का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? इथानोइक एसिड हटाएंगे और क्या लिखेंगे? मिथानोइक और एनहाइड्राइड। बोलो समझ में आया? क्या आप सब कर सकते हो ऐसे? यानी कि दो मिक्स्ड वाला आया तो अल्फाबेटिकल दोनों को एसिड देख लो कौन किससे एसिड से बना है, उस एसिड का नाम, एसिड एसिड मत लिखना, उसका नाम वर्ड रूट, ठीक है, एसिड मत मत लिखना, फिर दूसरे वाले का लिख दो और बाद में क्या लिख दो? एनहाइड्राइड, ठीक है। समझे या नहीं समझे? और ये तीनों बना लेंगे, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो ये क्या होगा? ये वाला एसिड है ना एसिड, तो ये क्या है? हाँ, साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बना है, और इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका बताओ क्या होगा? मस्त है ये। नंबरिंग किधर से करोगे? ये वाला होगा वन, ये होगा टू, और ये होगा थ्री, और ये होगा फोर, और ये क्या है? हाइड्रोक्सी होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बाकी सब साइड चेन, तो क्या नाम हो जाएगा? थ्री हाइड्रोक्सी, और कितना है? चार कार्बन, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटानोइक और एनहाइड्राइड। ये बताओ, ये वन और ये टू, ये पेरेंट होगा, होगा ना, क्योंकि सी डबल ओ एच इस बार डायरेक्टली अटैच नहीं है, समझे क्या? तो ये वाला तुम्हारा क्या होगा? पेरेंट कार्बन चेन, तो दो कार्बन का क्या होता है? इथानोइक होता है, और ये तुम्हारा क्या होगा? साइक्लो ब्यूटाइल, क्योंकि वो प्रीफिक्स है, इसलिए ब्यूटेन नहीं इस बार, ब्यूटाइल, इज दैट क्लियर? और यहां क्या था? हेक्सेन, क्योंकि वो किस में आ रहा था? पेरेंट कार्बन चेन में, तो ये तुम्हारा क्या लिखेंगे? दूसरे पे है ना, लिखेंगे टू साइक्लो ब्यूटाइल और दो कार्बन का इथानोइक और ये एनहाइड्राइड। बोलो दिमाग में गया? ठीक है, और देखो तो तीन एग्जांपल दे, इधर का नहीं मिटा है, इधर का मिटा देना। देखो जी, लिख लोगे? अब दोनों अलग अलग एसिड है तो अल्फाबेटिकल लिखना, ठीक है, साइक्लो का सी काउंट करना, लिख लोगे ना खुद से? ठीक है, कोई दिक्कत रहे तो फिर पूछना। चलो आज के लिए बस इतना ही। और कोई है जिसको सीट नहीं मिला है? यहां से उठा लो।